खरगोन जिले के बड़वाह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़वाह विधानसभा प्रत्याशी सचिन बिरला के समर्थन में बस स्टैंड पर जनसभा की और महेश्वर विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार बेव के समर्थन में कतरगांव में जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने सभा के बाद कतरगांव से राजकुमार बेव के समर्थन में रोड शो भी किया। जेपी नड्डा ने जनसभा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने तीनों लोक में घोटाला किया, जमीन आकाश और जल में भ्रष्टाचार किया। जब जब कांग्रेस सरकार आई तब तब अनाचार भ्रष्टाचार अत्याचार किया, लेकिन भाजपा सरकार ने विकास किया, लोगों के हित में काम हुए, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं के रोजगार के लिए काम होगा। कांग्रेस कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने भ्रष्टाचार ही किया। कमलनाथ सहित चाचा भतीजे ने भ्रष्टाचार किया है। कमलनाथ सरकार ने पीएम आवास बनाना रोका था, वहीं भाजपा सरकार ने देश में पीएम आवास सहित 12 करोड़ शौचालय बनाए, 11 करोड़ किसानों को पीएम सामान्य निधि दी जा रही है। शिवराज सिंह सरकार ने 40 लाख बच्चियों को कुलपति बनाया है। महिला सशक्तिकरण हुआ है। लाडली बहना योजना कारगर साबित हो रही है। 33% आरक्षण देश में हुआ है। पूर्णमासी को याद करते हैं तो हमेशा अमावस्या को भी याद रखना। अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां जहां जब जब आई है तब तब भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार व्यभिचार ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी है, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत। भाइयों मोदी जी को लाइयो, 2027 में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तीसरे नंबर। पर उसके पहले 50 करोड़ रुपए का टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई? आज कमलनाथ का भतीजा उसमें था कि नहीं था? और ऑगस्टा वेस्टलैंड में कमलनाथ का भांजा था कि नहीं था? तो आप बताइए, घोटाला छलावा धोखा ये कांग्रेस के साथ जुड़ा है कि नहीं? कमलनाथ के साथ जुड़ा है कि नहीं? इनको घर बैठाओगे कि नहीं? और मुझे बताया गया कि यहाँ की भी जो आपके नुमाइंदे रहे वो भी 20% to 50%। अब देखो मध्य प्रदेश का था, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भारत आज दुनिया को सिंचाई घोटाला, कृषि के यंत्र के खरीदी में घोटाला किया कि नहीं किया? छात्रवृत्ति घोटाला मालूम है कितने का? 4,000 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा काम नहीं करते, छोटा मोटा काम नहीं करते। 4,000। कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विकास को रोकने का काम, और कांग्रेस पार्टी का काम है परिवारवाद को वंशवाद को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम। और मित्रों मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार आया। 9 साल पहले 10 साल पहले दिल्ली में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कोयले का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और मनरेगा में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? यानी कांग्रेस पार्टी हवा में भी भ्रष्टाचार करती है हेलीकॉप्टर का, पानी में भी करती है पनडुब्बी में,
पाताल में भी करती है कोयले का घोटाला और जमीन पर भी करती है घोटाला मनरेगा में, ये कांग्रेस का तीनों लोक में घोटाला रहता है। 50 करोड़ रुपए का टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई? आज कमलनाथ का भतीजा उसमें था कि नहीं था? और ऑगस्टा वेस्टलैंड में कमलनाथ का भांजा था कि नहीं था? तो आप बताइए, घोटाला, छलावा, धोखा, ये कांग्रेस के साथ जुड़ा है कि नहीं? कमलनाथ के साथ जुड़ा है कि नहीं? इनको घर बैठाओगे कि नहीं? और मुझे बताया गया कि यहाँ की भी जो आपके नुमाइंदे रहे वो भी 20% to 50%। अब देखिए, मैंने तो आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा 20% से 50%। आपने ताली बजा दी, मतलब आप। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।